हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम चोपड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैन ऑफ लॉ। अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम एन एडवोकेट एंड आई प्रैक्टिस अक्रॉस दिल्ली NCR, अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स एंड फोरम्स विच इंक्लूड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, वेरियस अथॉरिटीज लाइक रेरा अथॉरिटी, देन आई ऑल्सो प्रैक्टिस बिफोर वेरियस कंज्यूमर फोरम्स अक्रॉस दिल्ली NCR. And I also practice before the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal. Now, today's video is all about this word, RERA. So, RERA kya hai? What is RERA? And why we are studying this? If you are already watching this video, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग RERA के बारे में और जानना चाहते हैं और RERA के बारे में समझना चाहते हैं कि RERA Act क्या है। और जो लोग नहीं जानते कि RERA क्या है, मैं RERA शब्द यूज कर रहा हूँ, बट what actually इज RERA, आई विल क्लियर द डाउट जस्ट इन फ्यू मिनट्स। बट बिफोर गोइंग थ्रू टूडेज वीडियो, आई जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई, आज के वीडियो किसके लिए बना है? कोई भी व्यक्ति जो RERA एक्ट के बारे में जानना चाहता है या लॉ के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा जानना चाहता है, या कोई लॉ स्टूडेंट है जिसको अपना करियर रियल एस्टेट सेक्टर में बनाना है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदी है और वो अपने बिल्डर से या प्रमोटर से परेशान हो चुके हैं और इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। सो नाउ स्टार्टिंग द कंटेंट ऑफ द वीडियो, आज की वीडियो का मेन टॉपिक RERA, ये एक्चुअली है क्या? इसको हम एक एनालॉजी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या होता था, ये दो व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ कि ही इज अ बिल्डर, या आम भाषा में इसको बिल्डर या प्रमोटर कुछ भी कह देते हैं। ये एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है बायर, या प्यार से बोल देंगे होम बायर। अब ये 2015 की बात है, लेट्स से 2015 के अंदर क्या हुआ, ये बिल्डर एक बिल्डिंग बनाने का इच्छुक था, बिल्डिंग कह लीजिए या बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने का इच्छुक था, एक पूरा प्रोजेक्ट ये डेवलप करना चाहता था। अब वो प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट भी हो सकता है या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसे फंड्स की ज़रूरत थी। तो इस फंड्स की ज़रूरत के लिए इसने क्या किया, ये मार्केट में गया और इसने क्या किया, इस मार्केट में एडवर्टाइज़ किया कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ और मुझे उसके लिए फंड्स चाहिए, और इसने बोला शायद ये प्रोजेक्ट 2018 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी अमेनिटीज़ होंगी, इसमें आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, एक लग्जरी प्रोजेक्ट होगा, इसमें बहुत सारी पार्क्स होंगी, चिल्ड्रन पार्क्स होंगे, ये सब कहकर इसने एडवर्टाइज़ किया और बताया कि ये प्रोजेक्ट 2018 में तैयार हो जाएगा और अगर आप इस प्रोजेक्ट को में 2018 में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या कोई भी प्रॉपर्टी इस प्रोजेक्ट में अगर आप 2018 में बाय करेंगे बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अभी अपनी इनिशियल स्टेज पे है, अगर आप इसमें अभी पैसा लगाते हैं तो आपको आज के रेट्स पर ये मिल जाएगा। होम बायर ने देखा कि ये तो एक अच्छी डील है, लेट्स इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो होम बायर्स ने अपने फायदे के लिए इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया व्हेन द प्रोजेक्ट वाज नॉट इवन रेडी, जब ये प्रोजेक्ट तैयार भी नहीं था। इससे इन दोनों का फायदा हुआ, बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट मिल गया, उसके पास एक कॉर्पस फंड्स का कॉर्पस रेडी हो गया। बायर्स का ये फायदा हुआ कि बायर्स को वही प्रॉपर्टी चीप प्राइसेस पर मिल गई। अगर 2018 में वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते तो उनको वो 2018 के प्राइसेस के हिसाब से मिलती, लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी उनको 2015 के प्राइसेस के हिसाब से मिल गई, तो इसमें बायर्स का भी फायदा हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब 2018 में इस प्रॉपर्टी की डिलीवरी का टाइम आया, या तो ये प्रॉपर्टी रेडी ही नहीं थी या फिर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हॉल्ट हो गया था, बिल्डर का कोई अता पता नहीं है, बिल्डर अगर वहाँ है भी तो प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम नहीं हुआ है, सो प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलेड और हॉल्टेड। इस केस में होम बायर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस महसूस करते थे बिकॉज उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो या तो वो पैसे उनके हाथ से चले गए और पूरी लाइफ टाइम अर्निंग्स जो उन्होंने कलेक्ट की थी वो भी उनके हाथ से निकल गया, वो भी अब उन्हें नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है। तो ऐसे केसेस में क्या होता था, होम बायर्स कोर्ट्स में अप्रोच करता था। अब वो कौन सी कोर्ट्स में अप्रोच करता था, तो कोर्ट या तो वो इसके लिए सिविल कोर्ट में जा सकता था बिल्डर के अगेंस्ट, या वो इसके अगेंस्ट
कंज्यूमर फॉर्म्स में जा सकता था। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है FIR दर्ज कराने का, लेकिन वो एक अलग ऑप्शन है, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। तो जब वो कोर्ट्स में जाता था, सिविल कोर्ट में, तो इशू क्या है इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पर हमारी जनसंख्या अभी 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। कोर्ट का सेटअप इस देश में बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है, क्योंकि बहुत कम जजेज़ हैं, बहुत कम जजेज़ हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, कि सिविल कोर्ट्स में नॉर्मली एक डिस्प्यूट को डिसाइड होने में बहुत सारे समय लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इन नॉर्मल कोर्स, सिविल कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो उसको डिसाइड होने में मिनिमम 3 से 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। इसके बाद भी जब ऑर्डर आ जाता है सिविल कोर्ट का, इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, उसके एग्जीक्यूशन में भी 2 से 3 साल लग सकते हैं। तो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में जाते ही, जब पहले होम बायर सिविल कोर्ट्स में अप्रोच करते थे तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि एक केस को डिसाइड होने में 6 7 8 साल लग जाया करते थे। दूसरा ऑप्शन जो बायर्स के पास था वो था, वॉज टू अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट्स। अब नाउ इन कंपैरिजन विद सिविल कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स जो है वो फास्टर रेमेडी थे, लेकिन इनके साथ भी प्रॉब्लम यही थी कि कंज्यूमर फोरम्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के केसेस आते हैं। जैसे वहाँ मेडिकल नेग्लिजेंसी के केसेस भी आते हैं, इंश्योरेंस केसेस भी आते हैं, और भी बहुत सारे तरह के केसेस आते हैं, और उसी में रियल एस्टेट के केसेस भी आते हैं। तो इतने सारे केसेस को डील कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो प्रॉब्लम कंज्यूमर कोर्ट्स में आता है, क्योंकि जजेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के केसेस देख रहे हैं, तो शायद सब जजेस को रियल एस्टेट सेक्टर की पर्टिकुलरली इतनी अच्छी नॉलेज ना हो। ये एक डेडिकेटेड फोरम फॉर कंज्यूमर्स तो है, पर एक डेडिकेटेड फोरम फॉर रियल एस्टेट बायर्स शायद ना हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है एक होम बायर को फेस करनी पड़ती थी, इन केस जब ये प्रोजेक्ट उसमें जिसने उसने इन्वेस्ट किया था वो अगर डिले हो जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर फोरम होना चाहिए, एक सेपरेट फोरम होना चाहिए जो रियल एस्टेट के डिस्प्यूट्स को देखे। तो 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया रियल एस्टेट एक्ट। इसको आम भाषा में आप रियल एस्टेट एक्ट कह सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रियल एस्टेट एक्ट, या फिर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RERA। तो इसी एक्ट का नाम है रेरा, और आज हम इसी को स्टडी करने वाले हैं, इसी रेरा एक्ट को थोड़ा सा समझने वाले हैं। बहुत सारी जगह इसको रेरा कहा जाता है, बहुत सारी जगह इसको रेरा एक्ट भी कहा जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे ए का मतलब तो एक्ट ही है, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाता है, बिकॉज रेरा जो टर्म है वो 2 3 जगह पे यूज़ होता है। तो उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए इसको रेरा भी बोल देते हैं, या फिर रेरा एक्ट भी आम भाषा में इसको बोल देते हैं। नाउ इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव था। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या था, आइए हम उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। लेट अस सी व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। सो वी हैव विद अस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेरा एक्ट। सबसे पहले तो देखते हैं इसका नाम, जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। एक्ट नंबर 16 ऑफ 2016 है, इतना सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी इतना याद करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेरा एक्ट। यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन एक्ट टू इस्टेब्लिश द रियल एस्टेट रेगुलेटरी। अब ये वर्ड आपके सामने पहली बार आया है कि ये एक्ट का मकसद क्या है, इस एक्ट का मोटो क्या है। इस एक्ट का मोटो है इस्टेब्लिश करना क्या, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी RER अथॉरिटी, या इसको आम भाषा में बोलते हैं रेरा अथॉरिटी। एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बनाना जो मुद्दे सुनेगी, किसके मुद्दे सुनेगी, होम बायर्स के, ताकि होम बायर्स को सिविल कोर्ट ना जाना पड़े या होम बायर्स को कंज्यूमर फोरम ना जाना पड़े। इसके लिए एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई जिसका नाम है
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और आम भाषा में हमने इसको बोल दिया रेरा अथॉरिटी। इसीलिए उस एक्ट का, हालांकि हमने यहाँ पे देखा एक्ट में ए स्टैंड्स फॉर ऑलरेडी एक्ट, लेकिन फिर भी इसको क्या बोल देते हैं, रेरा एक्ट बोल देते हैं, क्योंकि रेरा वर्ड से एक और चीज़ है जिसका नाम है अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं रेरा अथॉरिटी। फिर क्या बोल रहा है, ये अथॉरिटी किस लिए बनी, ये अथॉरिटी रेगुलेशन के लिए बनी कि एंड प्रमोशन के लिए बनी, किसके रेगुलेशन के लिए, इस अथॉरिटी के यानी दो काम हो गए, दो मकसद हैं इसके, एक तो रेगुलेट करना, रेगुलेशन, या मैं इसको रेगुलेट ही लिख देता हूँ, और दूसरा मकसद इस अथॉरिटी का क्या है, प्रमोट करना। किसको रेगुलेट करना है, किस चीज़ को अपने काबू में लाना है या ऑर्गेनाइज कराना है, और किस चीज़ का प्रमोशन करना है, किस चीज़ का प्रमोशन करना है, रियल एस्टेट सेक्टर का। तो इस अथॉरिटी के दो काम हैं, एक तो कंट्रोल में रखना, रेगुलेट करना, और दूसरा प्रमोट भी करना, किसको, रियल एस्टेट सेक्टर को। टू एंश्योर, और क्या काम है, एक और काम है, टू एंश्योर सेल ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी, चाहे तो प्लॉट की सेल हो रही है, चाहे वो अपार्टमेंट की सेल हो रही है, चाहे वो बिल्डिंग की सेल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, और सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, चाहे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही की सेल हो रही है, इन एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ये जो सेल हो ये एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, यानी इसका जो तीसरा मकसद बन जाता है, तीसरा मोटिव बन जाता है, दैट इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन टू द रियल एस्टेट सेक्टर्स। एंड एक और ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इन द रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के कंज्यूमर्स कौन हुए, होम बायर्स, तो इट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड टू एस्टैब्लिश एन एडजुडिकेटिंग मैकेनिज्म फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल। शुरू में या तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था या आपको कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ता था, जो कि बहुत टाइम लगाता था, उसका स्पीडी डिस्प्यूट रिड्रेसल हो जाए, उसको जल्दी से जल्दी वो केसेस को डिसाइड किया जाए। तो रेरा अथॉरिटी के टोटल कितने पर्पस हो गए, वन रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करना, दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करना, तीसरा रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, चौथा होम बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और पांचवा अगर होम बायर्स कोई डिस्प्यूट लेकर के आ रहे हैं उसका जो रिड्रेसल है वो करना है इन अ स्पीडी मैनर, उसको जल्दी से जल्दी डिसाइड करना है। दिस इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेरा अथॉरिटी। ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव है। सो एक्ट का पर्पस क्या था, एक तो रेरा अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना है, और एक्ट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक रेरा की, ये जो रेरा अथॉरिटी है, अब ये अथॉरिटी अगर गलत डिसीजंस ले लेती है तो होम बायर किसके पास जाएगा, इस अथॉरिटी के डिसीजंस के अगेंस्ट क्या होनी चाहिए, एक अपील के लिए ट्रिब्यूनल भी होनी चाहिए, जहां होम बायर या कोई दूसरी पार्टी अपील में जा सके अगर ये अथॉरिटी गलत डिसीजन देती है तो। इस अपील ट्रिब्यूनल को हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, REAT, रीट। रीट का मतलब क्या है, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये दो तरह का एक्ट के दो पर्पज है, एक तो अथॉरिटी बनाना, दूसरा ट्रिब्यूनल बनाना। अथॉरिटी के पांच काम हैं जो हमने देख लिए, अब ट्रिब्यूनल के बारे में देखते हैं। इस ट्रिब्यूनल का क्या काम है, इस ट्रिब्यूनल का काम है अपील्स को सुनना फ्रॉम द डिसीजंस, डायरेक्शंस और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी। सो ये हो गया एक्ट का ऑब्जेक्टिव। अब जैसे हमने देखा कि एक्ट ने क्या कहा कि एक रेरा अथॉरिटी होनी चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट करेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में कौन कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे पहले जो रियल एस्टेट को डेवलप करता है, जिसको हम डेवलपर या बिल्डर या प्रमोटर जनरल भाषा में बोल देते हैं, हालांकि इन चीज़ों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, बट समटाइम्स दिस टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली ऑल्सो। दूसरा कौन आता है, एजेंट, जो आपको वो प्लॉट, फ्लैट, अपार्टमेंट जो है उसको सेल करते हैं। और तीसरा ट्रांजैक्शन का पार्ट कौन है, होम बायर या अपार्टमेंट बायर या फ्लैट बायर या प्लॉट बायर, बेसिकली बायर, या आम भाषा में हम उसको होम बायर बोल देते हैं फॉर ईज। तो ये तीन की प्लेयर्स हैं रियल एस्टेट
सेक्टर में। इसके अलावा भी प्लेयर्स होते हैं बट दीज आर द की प्लेयर्स दैट। अब अगर रियल एस्टेट अथॉरिटी का काम पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का प्रमोशन है तो प्रमोशन सिर्फ बायर का तो नहीं हो सकता, तो प्रमोशन एजेंट का भी होना चाहिए और प्रमोशन बिल्डर का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये तो बिल्डर्स को क्यों दे दिया, क्योंकि बिल्डर्स ने तो डिले किया, बिल्डर ही तो पैसा लेके खा गए, बिल्डर ने तो नहीं दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बिल्डर्स हैं दिल्ली NCR में जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ जो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बायर्स जो हैं पेमेंट करना बंद कर देते हैं, जहाँ पूरा गलती जो है वो बायर की होती है, लेकिन फिर भी ये डेवलपर जो है टाइमली जो है अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। इन केसेस में इन बिल्डर का इंटरेस्ट भी तो प्रोटेक्ट होना चाहिए ना, तो इसीलिए ये जो एक्ट है ये तीनों सब लोगों के लिए काम करता है, बिल्डर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी और एजेंट्स के लिए भी। अब चूंकि वन पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द रियल एस्टेट सेक्टर, अब ये ट्रांसपेरेंसी से काम करे मतलब या तो ये बिल्डर की साइड ना ले, या ये बायर की साइड ना ले, या ये एजेंट के साइड ना ले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट में ऑलरेडी लिखा होना चाहिए कि बिल्डर के क्या राइट्स हैं, बिल्डर के क्या राइट्स हैं और होम बायर्स के क्या राइट्स हैं। तो हम अभी के लिए एजेंट वर्ड हटा देंगे, हम वापस चलेंगे और हम बात करेंगे दो की प्लेयर्स की, बिल्डर एंड बायर। मान लीजिए अगर ये एक्ट लिखेगा ही नहीं कि बिल्डर के राइट्स क्या हैं और बायर के राइट्स क्या हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो रेरा अथॉरिटी बनी है ये अपनी मनमानी से डिसीजंस ले, और अगर ये अपनी मनमानी से डिसीजन लेगी तो वो डिसीजन ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। तो इस डिसीजन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसी एक्ट के अंदर क्या चीज़ मेंशन है, बिल्डर के क्या राइट्स हैं और बिल्डर की क्या लायबिलिटीज़ हैं, कि बिल्डर को क्या चीज़ें पूरी करके देनी है, बिल्डर की ड्यूटीज़ क्या हैं, लायबिलिटीज़ या ड्यूटीज़। इसी तरह बायर की भी राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों इसी एक्ट में मेंशन है, ताकि जो रेरा अथॉरिटी डिसीजन ले वो इस एक्ट में जो राइट्स और ड्यूटीज़ मेंशन है उसको देखकर देख सके कि ठीक है बिल्डर ने अपनी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं की, इसका मतलब बिल्डर की गलती है, इसका मतलब बायर के फेवर में जो है ऑर्डर आना चाहिए, ताकि एक ट्रांसपेरेंट डिसीजन लिया जा सके। आज की वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी कि रेरा एक्ट क्या है एंड रेरा एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद हम पूरे कोर्स में देखेंगे कि रेरा एक्ट के अंदर ये बायर की और बिल्डर की ड्यूटीज़ क्या है और रेरा अथॉरिटी या रेरा एपेलेट ट्रिब्यूनल रीट कैसे काम करती है। सो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर गेटिंग द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।